सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हमारी रसोई में स्प्राउट सैलेड बनने जा रहा है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत खाने में टेस्टी भी लगता है। इसमें हम सबसे पहले ये चना डालेंगे, है ना। चने के साथ आप इसमें चना, स्प्राउट चना, स्प्राउट मूंग, स्प्राउट चना, स्प्राउट मूंग, इसके साथ ही कुकुम्बर यानी खीरा, इससे बहुत टेस्टी और हेल्दी बनेगा, और गाजर, मूली, आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। टमाटर चाहो तो आप टमाटर की बीज हटा लें। उसके बाद आप प्याज डाल दीजिए अपना स्वाद अनुसार, कोई भी फ्रूट भी डाल सकते हैं। हाँ, अब मैंने ये सारे चीजें डाल दिया, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालेंगे, थोड़ा नींबू का रस डालेंगे स्वाद अनुसार, और काला नमक स्वाद अनुसार, काला नमक से अच्छा टेस्ट आता है, और फिर सादा नमक भी डालेंगे, सादा नमक, नींबू हो गई, और थोड़ी सी चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा सा चुटकी पर डालेंगे तो इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, है ना। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, एकदम कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है, ये हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपको ये नींबू का रस थोड़ा कम लग रहा है तो और आप डाल सकते हैं, ये नींबू के रस से बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करके और आपके लिए परोसेंगे। अब आप सबके लिए स्प्राउट सैलेड तैयार है, एंजॉय कीजिए आप लोग। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।